Hello everyone, my name is Sangeeta Raghav and I have secured second rank in UPPCS 2018. This video is about why I joined Core IAS for my preparation of answer writing and current affairs. तो जब मैंने कोर आई एस ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले मैंने कुछ टेस्ट सीरीज दी थी आंसर मेंस के लिए एंड आई रियलाइज्ड कि जितना मुझे आता है जो मेरी नॉलेज है मैं उसको पेपर्स में एज सच रेप्लिकेट नहीं कर पा रही हूँ. देन लकीली क्या हुआ कि मैं एक बार निर्माण IAS कोचिंग सेंटर जो है उसमें गई थी जो कि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोचिंग देते हैं अपनी फ्रेंड के साथ. एंड देन देयर आई मेट अमित सर और वहाँ से मैं कोर IAS से मैंने ज्वाइन किया क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजी था मेंस के लिए वो मुझे बहुत पसंद आया. अगर आप बिल्कुल आपने अगर आंसर राइटिंग नहीं किया है और आपको कुछ भी नहीं आता है देन दिस वीडियो इज गोइंग टू यूजफुल फॉर यू. क्योंकि जब मैंने कोर IAS ज्वाइन किया था तो मुझे भी आंसर राइटिंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था. देन मैंने क्या हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद पहले बैच ज्वाइन किया. सो इन द फर्स्ट प्रीवियस बैच समझाते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है. सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आंसर राइटिंग में रहता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि आप जो क्वेश्चन फेस कर रहे हैं उसका क्या आंसर आपको वो पूछ क्या रहा है आपसे. उसके लिए आपको समझाया जाता है कि आप की वर्ड्स जो हैं उसको अंडरलाइन करिए और 8 सेकंड के अंदर आप अपने ब्रेन में मैपिंग करिए कि आप उस आंसर को पैराग्राफ स्टाइल में लिखेंगे या पॉइंट या बुलेट फॉर्म में लिखेंगे. उसमें आप कौन से चार्ट डायग्राम्स एंड एवरीथिंग जो भी है डालेंगे वो सब आपको विद इन 8 सेकंड्स करना होता है. और जब आप आंसर्स लिखना शुरू करते हैं विद इन 2 मंथ्स आप पूरे अच्छे आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं. फिर नेक्स्ट चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि अब हम लिखना तो शुरू कर चुके हैं लेकिन अब एक अच्छा आंसर हमें एक कम समय में लिखना है मतलब 8 से 9 मिनट में. तो उसके लिए फिर जो हमारी रोज ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन सब चीज़ों का मुझे बेनिफिट मिला था क्लासेस में. और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आप अपने आंसर्स को करंट अफेयर्स से कैसे लिंक करेंगे विच इज़ वेरी क्रूशियल इन आंसर राइटिंग. तो सबसे पहले इसमें वही होता है कि आपका इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन ये सब चीज़ें मैंने सीखी. इससे क्या हुआ कि जो मेरी रिकॉलिंग पावर थी और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग थी वो बहुत अच्छी हो गई थी. तो जो बच्चे ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि आप नॉलेज डेफिसिट नहीं है यू हैव गुड नॉलेज बट यू आर नॉट एबल टू रेप्लीकेट इट इन द पेपर देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप कोर IAS ज्वाइन करें. और इससे क्या होगा कि आप कम समय में एक अच्छे आंसर्स लिखने का जो स्ट्रैटेजी है स्टाइल है हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और ये सब हम सीख पाएंगे. और अगर आप 8 मिनट जो स्ट्रैटेजी है जो हमें सिखाई जाती है अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 20 questions in 3 hours तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे. अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो फॉर द बिगिनर्स आई वुड हाईली रिकमेंड दैट आप कोर IAS का जो आंसर राइटिंग एंड स्पेशली करंट अफेयर सेशन जो है वो ज्वाइन करके देखें. दे विल हेल्प यू अलॉट. थैंक यू सो मच.